are watching BNS News. आज की हेडलाइंस। कॉइनबेस ने फिनसर्न अवार्ड जीता क्राइम प्रिवेंशन एफर्ट्स के बाद। ओमनी नेटवर्क बैलेंस लॉन्च पूल्स पर 52nd प्रोजेक्ट के रूप में डेब्यू हुआ। डिसेंट्रलाइज्ड एआई डेटा नेटवर्क्स मासिक यूजर सेंट्रिक टोकन रिवॉर्ड्स के साथ लॉन्च हुआ। फ्रॉड विक्टिम्स चाहते हैं चाइना से $4.3 बिलियन वर्थ बिटकॉइन रिकवर करने की हेल्प में यूके गवर्नमेंट से। ब्लैक रॉक बिटकॉइन ETF GBTC आउटफ्लोज के साथ $192 मिलियन इनफ्लक्स को आउटपेसेस करता है। एनिमोका ब्रांड्स समर में जापान में NFT लॉन्च पैड डेब्यू करने वाला है। रिपल एप्स ने कम्युनिटी को स्कैम टैक्टिक्स पर इम्पोर्टेंट वार्निंग्स दिया। ADA community excited as Huawei cloud infrastructure Cardano पर आता है। हैशकी CEO ने हांगकांग के क्रिप्टो रेगुलेशंस को ग्लोबल मार्केट में बैरियर्स के रूप में स्लैम किया। FBI लूप डैश जूनियर्स हैक से लिंक बिटकॉइन डेवलपर इवेंट की इन्वेस्टिगेशन कर रही है। Ether.fi ने रेडस्टोन ओरेकल्स के साथ $500 मिलियन रीस्टेकिंग डील की। पी पर्पिटल फ्यूचर्स जल्द ही कॉइनबेस पर लाइव होने वाला है। क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज कॉइनबेस को फाइनेंशियल क्राइम्स एनफोर्समेंट नेटवर्क से क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में उसके कंट्रीब्यूशन के लिए एक अवार्ड मिला है। अप्रैल 11 के पोस्ट में एक्स पर पॉल ग्रेवल कॉइनबेस के चीफ लीगल ऑफिसर ने गवर्नमेंट एजेंसी से ऑफिशियल लेटर डिस्क्लोज किया। ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज बैलेंस ने ओमनी नेटवर्क को अपने 52nd लॉन्च पूल प्रोजेक्ट के रूप में अनाउंस किया। हार्वर्ड ग्रेजुएट्स द्वारा फाउंडेड ओमनी नेटवर्क एक लेयर वन ब्लॉकचेन जो डेवलपर्स को इथेरियम की लिक्विडिटी एंड यूजर्स बाय डिफॉल्ट के एक्सेस के साथ नेटिवली ग्लोबल एप्लीकेशन बिल्ड करने की अनुमति देता है। नेटवर्क का नेटिव टोकन्स ओमनी है। मासा नेटवर्क ने अपना मेननेट अनवील किया जो ट्रेनिंग AI मॉडल से प्रॉफिट कमाने की एबिलिटी ऑफर करता है। यह नेटवर्क यूजर्स को अपनी डिजिटल आइडेंटिटी मैनेज करने और AI मॉडल्स ट्रेन करने में हेल्प करके प्रॉमिस पैसे कमाने की अनुमति देता है। चाइना में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के द्वारा फैसिलिटेटेड एक इन्वेस्टमेंट फ्रॉड स्कीम के विक्टिम्स $4.3 बिलियन इन बिटकॉइंस जो उनके पैसे से खरीदा गया था रिकवर करने की हेल्प यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट से चाहते हैं। इनफ्लोज में रिसर्जेंस के बीच ब्लैक रॉक का IBIT बिटकॉइन ETF ट्रैक्शन प्राप्त कर रहा है। ग्रेस्केल बिटकॉइन ट्रस्ट से आउटफ्लोज को आउटपेस करते हुए इस बीच स्पॉट बिटकॉइन ETFs ने इस वीक के वीक स्टार्ट के बाद दूसरे कॉन्जिक्यूटिव दिन के लिए पॉजिटिव फ्लो रजिस्टर किया। 11 BTC ETFs ने टोटल में $91.3 मिलियन का इनफ्लक्स अकाउंट किया। एनिमोका ब्रांड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड का सब्सिडरी एनिमोका ब्रांड्स जापान ने जापान में एक NFT लॉन्च पैड एस्टैब्लिश करने की रिकॉर्डिंग एक सिग्निफिकेंट अनाउंसमेंट किया है जो Web3 लैंडस्केप का एवोल्यूशन में एक पिवोटल मूवमेंट मार्क करता है। ये स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव जो 2024 के समर में लॉन्च होने वाला है कंपनी के इनोवेशंस और नॉन फंजिबल टोकन्स के बर्जियाजिंग रील के अंदर ग्रोथ को फॉस्टर करने की कमिटमेंट को अंडरलाइन करता है। क्रिप्टो पेमेंट्स प्लेटफॉर्म्स रिपल लैब्स INC ने अपनी कम्युनिटी को एक और वार्निंग इशू की है। इन्हें फिशिंग लिंक्स और डी फेक्स के प्रति कॉशंस रहने की याद दिलाते हुए रिपल लैब्स वार्निंग के बेसिस कॉन्स्टेक्ट में रिपल के एक्स पर एक डेमोन्स्ट्रेशन वीडियो शेयर किया। इससे पता चलता है कि कैसे कुछ स्कैमर्स फर्म के लिए की मेंबर्स जैसे कि ब्रैड गार्लिंगहाउस इसके CEO को इम्पर्सोनेट कर रहे हैं। कार्डानो कम्युनिटी एक्साइटमेंट से भरी हुई है क्योंकि मर्गो कार्डानो ब्लॉकचेन्स का एक फाउंडिंग एंटिटी ने एक पार्टनरशिप अनाउंस की है जो हुआई के क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर्स को कार्डानो इकोसिस्टम्स में लाने वाला है।